धार जिले के कुक्षी में सदर बाजार में बीती रात एक कपड़ा दुकान के व्यापारी के यहां चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। धार जिले के कुक्षी में सदर बाजार में बीती रात एक कपड़ा दुकान के व्यापारी के यहां लाखों की चोरी हो गई। मेन रोड पर स्थित न्यू हकीमी रेडीमेड दुकान पर छत का पीओपी तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कपड़ा दुकान मालिक के अनुसार तकरीबन 2.5 लाख के कपड़े और 50,000 नगद कुल मिलाकर 3 लाख के आसपास चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। नगर के व्यस्ततम रोड से हुई चोरी को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी चोर अपने साथ लेकर चले गए। वहीं पुलिस के लिए ये क्षेत्र में हो रही चोरियां चुनौती बनी हुई हैं। नहीं, अभी आज घटनास्थल निरीक्षण किया, हुजेफा जी की दुकान में जो कपड़े की चोरी हुई है उसमें एक पेंट मिली है हमको, जो कि संबंधित आरोपी के द्वारा पहनी हुई है। और उसे पता कर रहे हैं कि कहाँ से ली गई है, बाकी अन्य कोई विशेष जानकारी अभी नहीं मिली है और प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें पता रसी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी कितने के अनुमान लग रहा है इस दुकान में? अब वो सूची बना के देंगे हमको, वो कपड़े कितने चोरी गए हैं उसकी सूची, लेकिन कुछ नए कपड़े हैं चुराए हैं। लगातार सर, हाँ, पिछले हफ्ते में देख रहे हैं लगातार सक्रियता बढ़ रही है सर। हाँ, ये बारिश का मौसम है, क्या करेंगे सर इसके लिए? गश्त और बढ़ाएंगे और कुछ ग्राम रक्षा समिति के लोगों का सदस्यों का सहयोग लेंगे इसमें। तो मेरे यहाँ पे साइड वाले गेट से चोर आए थे और गल्ले में से पैसे ले गए, जो हम डालते हैं सैयदना साहब के, उसमें वो पैसे लेके गए हैं। दो तीन गल्ले हैं हमारे खुद के, वो लेके गए हैं। मेरे पर्स में से लेके गए हैं, डीवीआर उठा के ले गए, और पीछे एक मेरा गोडाउन है वहाँ से बहुत ज़्यादा माल मेरा उठा के लेके गए हैं। क्या क्या माल में, क्या क्या माल में? जीन्स हैं, शर्टें हैं, टी शर्ट है, और वो यहाँ तक कि पेन के भी गए हैं, और उनके कपड़े यहाँ छोड़ गए हैं। पेंट उनकी मिली है, वो छोड़ के गए हैं। अनुमानित कितना आंकड़ा होगा? अनुमानित मेरा कपड़े का 2.5 लाख के आसपास, और टोटल कुल मिला के नगद सब मिला के 3 लाख के आसपास का भैया मेरा नुकसान दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा हुजेफा।